PWD SSR 2022-23 का इस्तेमाल करके हम एक एस्टिमेट बना रहे हैं जो कि मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मालेगांव का है। ये टॉयलेट ब्लॉक का एस्टिमेट हम बना रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने बहुत सारे आइटम कंप्लीट किए हैं। हम देख सकते हैं ये आइटम नंबर एक है जो कि एक्सकेवेशन का है, खोद काम। दूसरे नंबर का जो आइटम है वो भी एक्सकेवेशन का है, खोद काम का है। उसके बाद तीसरे नंबर का जो आइटम है वो सोलिंग का है, रबल सोलिंग। चार नंबर का जो आइटम है वो पीसीसी का होता है, पीसीसी एंड फाउंडेशन। पांच नंबर का आइटम फुटिंग का है। छह नंबर का जो आइटम होता है वो कॉलम का है। सात नंबर का आइटम जो है हमारा वो बीम का है। आठ नंबर का आइटम ब्रिकवर्क का होता है जो प्लीन के लिए रहता है, प्लीन एंड फाउंडेशन। आज हम नौ नंबर का आइटम देख रहे हैं जो कि कोपिंग का आइटम है, जो कि प्लिन के लिए हमने इस्तेमाल किया है। इस ड्राइंग के मुताबिक हमने डायमेंशन डाल दिए हैं, ये दो बीम, ये दो बीम और ये दो, ऐसे टोटल छह बीम है इस एस्टिमेट में आउटर के। तो उसको कोपिंग आता है तो हमने यहाँ पे कोपिंग का डायमेंशन टाइप कर लिया है। मेजरमेंट होने के बाद हम रेट एनालिसिस बनाते हैं। रेट एनालिसिस में ये आइटम नंबर नौ है। इसे तीन तरीके का मटेरियल लगता है, सीमेंट, सैंड, क्रश मेटल। इसको स्काडा नहीं लगता है, इसलिए इसमें स्काडा माइनस नहीं होगा। ये उसका SSR का रेट है, ये 21% माइनस हुआ है। यहाँ पर स्काडा रहता है जो कि नहीं है। अब यहाँ पे टोटल आती है, इस टोटल के ऊपर ये 5% ऐड हुए हैं। उसके बाद ये लीड है, ये यहाँ पर हमने लीड का कैलकुलेशन किया है, ये उसकी टोटल है और ये 21% फिर दोबारा ऐड हुए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये टोटल है जो हम देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखलाता हूँ, पहले आइटम नंबर होता है, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर SSR का जो रेट है वो होता है। इसमें 21% माइनस होते हैं क्योंकि ये कॉरपोरेशन का एस्टिमेट है, 5% ऐड हो रहे हैं। इसलिए अगर स्काडा वर्डिंग है कंक्रीट के लिए तो 126 रुपए माइनस होते हैं। हम जो आइटम कर रहे हैं कोपिंग का, उसमें स्काडा वर्ड नहीं है, इसलिए 126 रुपए माइनस नहीं होंगे। फिर ये टोटल होती है, उस टोटल के ऊपर 5% ऐड होते हैं, फिर लीड ऐड होता है, फिर 21% दोबारा ऐड होते हैं। ये अच्छी तरीके से याद रखना होता है कि ये 21% माइनस वाली अमाउंट और प्लस वाली अमाउंट एक जैसी होना चाहिए क्योंकि वो इस अमाउंट पे ऐड और डिडक्ट होती है। उसके बाद ये फाइनल रेट होता है जो कि अब्स्ट्रैक्ट में जाता है। उसके बाद हम मटेरियल की शीट बनाते हैं। मटेरियल इसे तीन तरीके का लगता है, सीमेंट, सैंड और क्रश मेटल, जो कि हमने यहाँ पर उसका कैलकुलेशन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नौ नंबर का हमारा आइटम है, ये सीमेंट है, ये सैंड है और ये क्रश मेटल है। उसके बाद हम अब्स्ट्रैक की शीट बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले काम करते वक्त यहाँ पर बॉर्डर होना जरूरी है तो कंट्रोल पी करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए आठ नंबर तक रेडी है। नौ नंबर का किस तरीके से अब्स्ट्रैक्ट शीट बनाया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ रो सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट शीट रो। यहाँ पर डबल क्लिक करके देखेंगे तो इसकी टोटल इस तरीके से आ रही है। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ कॉपी करेंगे, क्लिक पेस्ट। सिलेक्शन छोड़ने के लिए कीबोर्ड से मैं एस्केप प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं आइटम नंबर, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, SSR आइटम नंबर और यूनिट, ये आते हैं मेजरमेंट शीट से, तो मैं उसे लेकर आता हूं। यहां पर मैंने क्लिक किया, ये मेजरमेंट है हमारा, यहां पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। इसी तरीके से यहां क्लिक करेंगे इक्वल मेजरमेंट, इस पर क्लिक करके एंटर करना है, इक्वल मेजरमेंट, इस पर क्लिक करके एंटर करना है, इस पर क्लिक करेंगे ऑटो फिट। यहाँ पर क्वांटिटी है और यहाँ पर यूनिट है और इसके नीचे होता है SSR नंबर। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक दो तीन चीजें आ चुकी है, ये यूनिट है, इक्वल करेंगे मेजरमेंट, यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। इसे फिर से देखते हैं, इक्वल करेंगे मेजरमेंट, यहाँ पर क्लिक करके एंटर करेंगे। ये क्वांटिटी है, इक्वल करेंगे मेजरमेंट और क्वांटिटी पे क्लिक करके एंटर करेंगे। उसके बाद ये रेट है, इक्वल रेट एनालिसिस
और ये आखिर का जो रेट है हमारा, इस पर क्लिक करके इंटर कर देंगे। यहाँ जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये दोनों का कैलकुलेशन हो जाता है, और यहाँ क्लिक करेंगे तो इसकी टोटल हो जाती है। और ये जो टोटल है, अभी देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हम इजीली उसे पढ़ सकते हैं। इसकी थोड़ी सी इस तरीके से साइज कम कर देते हैं। अब ये जो अमाउंट आई है यहाँ पर, वो खुद ब खुद चेंज हो जाती है, इसे यहाँ भी चेंज कर देते हैं हम, पढ़ने में आसानी हो जाती है। इस तरीके से हमने मेजरमेंट शीट में 9 नंबर का आइटम को कंप्लीट किया, उसके बाद उसका डेटा एनालिसिस कंप्लीट किया, उसके बाद मटेरियल की शीट बनाते हैं हम, अगर उसे मटेरियल लगता है तो। हमने इसे मटेरियल की शीट के बाद अब्स्ट्रैक्ट शीट में इसका काम किया है, तो ये 9 नंबर का हमारा आइटम है। ये पहले जो शीट होती है हमारी, वो कवर शीट होती है, जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं। यहाँ पर ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क पोर्शन है, अभी रॉयल्टी के ऊपर हमने काम नहीं किया है, इसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी काम नहीं किया है। इसकी ये टोटल यहाँ पर आई है। यहाँ पर हम 18% जीएसटी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं ऐड जीएसटी या ऐड फॉर जीएसटी। उसके नीचे हमारा रहता है ऐड फॉर लेबर इंश्योरेंस, और भी चीजें हो सकती हैं, हम उसे बाद में देखेंगे। यहां पर अभी मैं टाइप कर लेता हूं 18%, और यहाँ ये यह अभी मेरा 1% है, ये 18% है, तो इस अमाउंट पे जीएसटी लगा देंगे और इस अमाउंट पे हम इंश्योरेंस लगा देंगे। तो यहाँ पर इक्वल करता हूँ मैं, करता हूँ, उसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके एंटर कर देंगे। इसे डबल क्लिक करके राउंड टू लगाया जा सकता है। कॉमा टू करके एंटर कर देंगे, इक्वल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इस पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आर ओ यू टाइप करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, कॉमा टू लगाएंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक टोटल रहेगी, 1, 2, 3, ये तीनों की, और भी परसेंटेज ऐड हो सकते हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करके एंटर करता हूँ। यहाँ बोल्ड करेंगे हम, ये हमारी टोटल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सिलेक्शन करता हूँ। यहाँ पर मैं टॉप और बॉटम बॉर्डर दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर हम इक्वल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 लाख और इंटर कर देंगे। यहां पर मैं बोल्ड कर लेता हूं, यहां पर डबल क्लिक करता हूं मैं और इसे राउंड टू लगा देता हूं। इस तरीके से हमारी ये टोटल आ गई है, जो कि लाख में रहेंगी हमारी टोटल। ये फिलहाल अभी इस तरीके से लिख देते हैं, हम बाद में देखेंगे किस तरीके से उसे काम किया जाता है। इस तरीके से हमने देखो, इसे कंट्रोल एस करता हूं मैं और उसके बाद कंट्रोल पी करता हूं, तो ये देखिए पेज के बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर हम सिलेक्शन करेंगे और इसे डबल क्लिक कर देंगे, उसके बाद कंट्रोल पी करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क पोर्शन है ये रहे, यहाँ पर रॉयल्टी चार्जेस अभी आना बाकी है, क्वालिटी कंट्रोल भी आना बाकी है। इस तरीके से यहाँ टोटल होती है, और 18% जो ऐड किया है हमने वो डी के ऊपर किया है, और 1% जो ऐड किया है वो ए के ऊपर किया। तो यहाँ पर हम वाजे तौर पर कर देते हैं, यहाँ पर इक्वल करेंगे और डी पे क्लिक करके कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे, इक्वल करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे डी, और कीबोर्ड से F4 प्रेस करके एंटर कर देंगे। तो चेक करने वाले को आसानी से बात समझ में आ जाती है कि डी के ऊपर ये 18% है, जैसे डबल क्लिक करने से यहाँ समझ में आता है, और यहाँ अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ समझ में आता है। ये हमारा पहला पेज है।
यहां पर मैं ये मर्ज निकाल देता हूं, यहां से इसे निकाल देंगे हम। अब यहां पर देखिए, मैं क्लिक करता हूं, यहां पर इक्वल करता हूं, ये हमारा रिकैप है, इस पर क्लिक करके एंटर करता हूं। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट कर देंगे और यहां पे टाइप कर देंगे लैग। तो चेक करने वाले को इजीली समझ में आ जाता है ये कितनी अमाउंट है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ चीजें कॉपी कर ली है फंड एड शीट के ताल्लुक से, जो कि आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। जीडी पे भी हमने कुछ काम नहीं किया है, इसे भी बाद में देखेंगे। रिकैप पे भी हमने थोड़ा काम किया है, इसे और बाद में अच्छी तरीके से हम समझेंगे। ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट है, ये हमारी मेजरमेंट शीट है, ये हमारा रेट एनालिसिस है, ये हमारी मटेरियल की शीट है, और ये हमारी क्वेरी शीट है जिस पर हमने काम नहीं किया है, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। अभी आपको मैं पीडीएफ करके दिखलाता हूँ कि ये किस तरीके से दिखाई देगा। कंट्रोल एस करने से ये सेव हो जाता है, यहाँ पर मैं कंट्रोल पी करता हूँ, उसके बाद एक्सपोर्ट पीडीएफ ऑप्शन एंटायर वर्कबुक ओके, इसे हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पब्लिश, इस तरीके से देखिए आज इसमें 16 पेज नजर आ रहे हैं। तो ये पहली शीट थी हमारी, ये दूसरी शीट है जिसमें अभी काम करना हमारा बाकी है, जिसे फंड हेड शीट कहेंगे। उसके बाद ये रिकैपिटुलेशन शीट है, जिसे जनरल एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं, इसे बाद में हम और अच्छी तरीके से देखने वाले हैं और उसे समझने वाले हैं। इसी तरीके से ये एब्स्ट्रैक्ट शीट है हमारी, जिसमें आज हमने ये 9 नंबर का आइटम किया है। इसी तरीके से ये मेजरमेंट शीट है हमारी, जिसमें ये 9 नंबर का आइटम आज हमने किया है। इसी तरीके से देखिए ये रेट एनालिसिस है, जिसके अंदर ये 9 नंबर का आइटम आज हमने किया है। ये हमारी मटेरियल की शीट है और ये 9 नंबर का हमारा आइटम है। इसी तरीके से आने वाले वीडियोस में हम बाकी की चीजें देखेंगे।